एक लड़का जो कि अपनी गर्लफ्रेंड पे हमेशा शक करता था, तो मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमें दिव्या नाम की लड़की दिखती है जो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर गई थी, सब गेम खेलते हैं। गेम के दौरान विकी नाम का लड़का एक लड़के से पूछता है, तुमने अभी तक कितनी बार किस किया है? लड़की नहीं बताती और दिव्या पे क्वेश्चन आता है अपने फर्स्ट लव के बारे में बताने का। और दिव्या बताती है वो कॉलेज से एक लड़के को डेट कर रही है जिसका नाम अरुण था। अरुण और दिव्या एक दूसरे को कॉलेज से प्यार करते थे, लेकिन अरुण का अचानक फोन आता है। दिव्या डरती है, अरुण कहता है कहाँ पर हो? दिव्या डरते हुए कहती है अपने दोस्त के घर पे हूँ। अरुण कहता है अपनी लोकेशन भेजो, मैं पिक करने आ जाता हूँ। दिव्या परेशान होती है क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। वो अपने दोस्त से पूछती है तुमने स्टोरी डाली क्या? उसकी दोस्त कहती है हाँ सॉरी भूल गई थी। अरुण गुस्से में कहता है दिव्या तुम मुझे बिना बताओ उस विक्की से मिलने गई हो? दिव्या कहती है आज उसकी फेयरवेल पार्टी है, बाद में बात करती हूँ। अरुण काफी गुस्सा करता है लेकिन दिव्या नहीं सुनती, वो परेशान थी। अरुण को काफी गुस्सा आता है, वो गुस्से में दिव्या के पास जाता है। उसने पिछले साल विक्की को मारा था, उसे शक था, वो दिव्या के पास जाने की कोशिश कर रहा था। अरुण का दोस्त उसे रोकता और कहता है अगर अभी गया तो मामला बिगड़ेगा, ड्रिंक करते हैं साथ में बैठ के। और अरुण ना चाहते हुए भी मानता है, वो ड्रिंक करता है अपने दोस्त के पास और गुस्से में दिव्या के घर जाता है। दिव्या उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुमने वादा किया था ना तुम नहीं पियोगे, यहाँ तमाशा करने आ गए। अरुण गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से मैंने पिया, तुम विक्की से मिलने बाहर क्यों गई? ऑफिस तक ठीक था और तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला उससे मिलने के लिए? दिव्या कहती है अगर मैंने तुम्हें सच बताया होता तो क्या तुम मुझे जाने देते? और हाँ अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अरुण कहता है तुमने अभी दुनिया नहीं देखी, तुम्हें सही गलत का पता नहीं है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है और दिव्या बिना अरुण की बात सुने जाती है। अरुण गुस्से में कार के ग्लास पे पंच मारता है, दिव्या उसका इलाज करवाती है। अरुण बाद में शांत होता है और दिव्या कहती है तुमने क्यों पी? अरुण कहता है तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दिव्या परेशान होती है, वो अब अरुण के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी, वो थक गई थी। अरुण अपने घर जाता है, उसके पापा उस पर काफी गुस्सा करते हैं हाथ तुड़वाने की वजह से। और वो कहते हैं पहले तूने मेरे 15 लाख बर्बाद कर दिए बिजनेस के नाम पे और अब तू फालतू चीजें कर रहा है। अरुण अपने पापा से लड़ने लगता है और कहता है हराम की कमाई थी। अरुण के पापा अरुण को मारते हैं, अरुण की माँ अरुण को बचाने जाती है, अरुण के पापा उसकी माँ को भी मारते हैं। अरुण को गुस्सा आता है, अरुण की माँ अरुण को जॉब करने के लिए कहती है। अरुण मना करता है और कहता है मैं भी जॉब नहीं कर सकता। उसकी माँ कहती है बेटा मैंने इंजीनियरिंग में तुझे 7 लाख दिए और तेरे बिजनेस में 15 लाख दिए, मैं नहीं चाहती तू निकम्मा रह जाए। अरुण अपनी माँ को भी सुनाने लगता है। अरुण एक आदमी के पास जाता है, एक मैटर की वजह से एक कैफे का काम रुका हुआ था, एक केस फंसे होने की वजह से। आदमी कहता है केस जल्दी खत्म हो जाएगा। दिव्या ऑफिस में एक नए लड़के को कॉफी मशीन चलाना सिखाती है, उस लड़के का नाम मदन था। अरुण दिव्या को डिनर पर इन्वाइट करता और दिव्या बड़ी मुश्किल से मानती है। अरुण अपने हाथों से दिव्या के लिए डेजर्ट बना के ले जाता है और दोनों बाहर डिनर करते हैं। दिव्या का भी मूड अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, अरुण को कहती है कल तुम्हें देख के डर लग रहा था, मैं अभी भी डरी हुई हूँ। अरुण गुस्से में कहता है कहा ना वापस ऐसा नहीं होगा। बाद में दोनों एक साथ सोते हैं और सुबह दिव्या की दोस्त उससे कहती है तुम इससे अच्छा डिजर्व करती हो। और बाद में दिव्या को पता चलता है जिस लड़के की उसने मदद की थी मदन, वो अब उसका सीनियर बन गया है विक्की की जगह। और दिव्या की दोस्त बताती है कि ये फेमस ट्रैवल ब्लॉगर है। बाद में सब बात करते हैं और दिव्या की दोस्त मदन से पार्टी मांगती है और सब ड्रिंक करते हैं। और बाद में दिव्या अरुण को अपने कॉलेज के दोस्तों की पार्टी में ले जाती है। अरुण देखता है जो लड़के दिव्या के पीछे थे कॉलेज में, वो उससे काफी क्लोज होकर बातें कर रहे थे। अरुण को अच्छा नहीं लगता, वो ड्रिंक करता है। दिव्या उसे बुलाती है, दिव्या के दोस्त अरुण से पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो? अरुण गुस्से में कहता है कैफे डालने वाला हूँ। दिव्या का दोस्त कहता है सही है बिजनेस, तुम जल्दी तरक्की कर दोगे, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए हो या कैसी भी हेल्प तो मुझे बताना। वो लड़का दिव्या को इम्प्रेस करने के लिए सब कह रहा था, अरुण को गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं कहता। दिव्या कहती है ये डिजाइनर की जॉब भी करने वाला है। दिव्या का दोस्त कहता है मैं एक कंपनी खोलने वाला हूँ, तुम मेरे पास काम कर सकते हो। अरुण गुस्से में कहता है तेरे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? और वो उसे लड़ने लगता है। दिव्या गुस्से में अरुण को ले जाती है और कहती है तुमने फिर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरुण कहता है तुम जॉब की बात क्यों निकाल रही थी, तुम्हें निकालने की जरूरत ही क्या थी? तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती हो क्या सबके सामने, या तुम्हें शर्म आ रही थी मुझे इंट्रोड्यूस करवाने में? दिव्या परेशान हो जाती है, वो रोते हुए कहती है मैं और नहीं झेल सकती। और वो गुस्से में ऑटो पकड़ के वहां से जाती है और वो अरुण को ब्लॉक भी कर देती है। और बाद में अरुण बड़ी मुश्किल से अपने आप को अनब्लॉक करवाता है। अरुण जॉब करता है ग्राफिक डिजाइनर की, वो धीरे धीरे वापस दिव्या के साथ नॉर्मल रहने लगता है। अरुण दिव्या से कहता है मेरी माँ शादी के बारे में पूछ रही थी, तुम अपने घर में कब बता रही हो? दिव्या डरते हुए कहती है मैं अभी ये फैसला नहीं लेना चाहती। दिव्या डरी हुई थी अरुण के नेचर की वजह से। बाद में दिव्या को नाच चाहते हुए अरुण की माँ से मिलने जाना पड़ता है, उसकी माँ शादी के लिए कहती है और नया घर लेकर दूर रहने के लिए कहती है। दिव्या रेडी नहीं थी। अरुण के पापा आते हैं और दिव्या को देख के कहते हैं तुम इस निकम्मे के साथ क्या कर रही हो? और अरुण की माँ उसके पापा को समझाने की कोशिश करती है। अरुण के पापा नहीं समझते, वो नशे में उसकी माँ को मारने की कोशिश करते हैं और दिव्या को अपने फ्यूचर की टेंशन हो जाती है सब देख के। वो इसके बाद अपने दोस्तों के साथ और मदन के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है और दिव्या मदन से उसकी एक्स के बारे में पूछती है।
अरुण उस आदमी के पास जाता है, केस खत्म हो गया था और उन उस आदमी से इन्वेस्टमेंट चाहता था, लेकिन वो वापस बात घुमा देता है। अरुण का अपने काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसे ना काम करने की वजह से निकाल दिया जाता है। दिव्या अपने दोस्त और मदन के साथ काफी इंजॉय करती है। अरुण काफी उदास था। अरुण उस आदमी के पास जाता है और कहता है, भाई अगस्त में कैफे स्टार्ट कर देते हैं ना। आदमी कहता है, जनवरी में मेरे पापा का ट्रांसप्लांट है। अरुण कहता है, भाई मैंने जॉब छोड़ दी कैफे की वजह से, मैं और लेट नहीं कर सकता। आदमी कहता है, मैंने जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहा था। अरुण गुस्से में कहता है, अभी तूने नई कार ली है और कैफे खोलने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। वो उस आदमी से भी लड़ने लगता है और गुस्से में जाता है। अरुण फंस गया था, वो वापस ड्रिंक करता है और दिव्या को फोन करता है और पूछता है, कहाँ हो? दिव्या गुस्से में कहती है, तुमने वापस ड्रिंक करी है, चुपचाप कैब लो और घर जाओ। अरुण कहता है, मैं खुद चला सकता हूँ। और दिव्या के लाख कहने पर भी वो नहीं सुनता। दिव्या टॉक्सिक रिलेशन से परेशान हो गई थी। मदन और दिव्या के दोस्त के घर पार्टी करने का प्लान बनता है। दिव्या के दोस्त नशा भी करना चाहते थे। मदन वीड लेता है, वो अरुण के दोस्त से ही लेता है। दिव्या अरुण को देख के हैरान होती है। वो फोन करके अरुण से पूछती है, कहाँ हो? अरुण झूठ कहता है कि वो ऑफिस में है। दिव्या और टूट जाती है। अरुण का दोस्त मदन को पहचान लेता है। वो उसकी व्लॉग अरुण को दिखाता है। अरुण हैरान होता है क्योंकि उसके व्लॉग में दिव्या भी थी। अरुण गुस्से में दिव्या के घर जाता है। दिव्या के घर में मदन और दिव्या के दोस्त भी थे। अरुण को और गुस्सा आता है ये सब देख के, और वो कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? और तुम इसके साथ बिना बताए घूमने भी जा रही हो, और अब ये तुम्हारे घर पे है, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? दिव्या कहती है, तुमने भी तो मेरे से झूठ बोला ऑफिस के बारे में। अरुण कहता है, मैं तुम्हें बताने वाला था, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम गांव जा रही हो? दिव्या कहती है, अब हम एक साथ नहीं रह सकते, ब्रेकअप। अरुण उस पर गुस्सा करने लगता है। दिव्या रोते हुए जाती है, अरुण चिल्लाने लगता है। दिव्या के दोस्त उसे संभालने की कोशिश करते हैं और अरुण का दोस्त अरुण को ले जाता है। दिव्या डरी हुई थी। अरुण और दिव्या एक दूसरे से बात नहीं करते। अरुण काफी उदास रहता है, वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता। उसकी माँ डिप्रेशन में सुसाइड करने की कोशिश करती है। अरुण के पापा आते हैं अरुण से बात करने, लेकिन वो अपने पापा को डांट के भागा जाता है। और अरुण की माँ अरुण को बताती है, तुम्हारे पापा ने मेरी बहन के घर 12 लाख रुपए चोरी करने की कोशिश की, वो भी घर खरीदने के लिए। मैं बहुत परेशान थी, तुम भी अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे थे और मेरे से बात भी नहीं कर रहे थे, मैं अकेले और नहीं झेल पा रही थी। अरुण को बुरा लगता है। उसकी माँ कहती है, जल्दी दिव्या से शादी करके एक मकान लेकर रहेंगे हम तीनों एक साथ, मैं तुम्हारे पापा के साथ अब और नहीं रह सकती। अरुण और नशा वगैरह करता, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी माँ को कैसे सच बताए। दिव्या को अरुण की माँ के बारे में पता चलता है। वो अरुण की माँ से मिलने आती है, अरुण कुछ नहीं कह पाता। और दिव्या बाद में अरुण को मूव ऑन करने के लिए कहती है। अरुण ब्लॉक करता है, लेकिन दिव्या के बर्थडे पे उसे अनब्लॉक करके बर्थडे विश करता है। दिव्या उसे फोन करके पूछती है उसकी माँ के बारे में। अरुण कहता है, मुझे उनकी फिक्र रहती है। दिव्या कहती है, तुमने उन्हें सच नहीं बताया हमारे बारे में? अरुण कहता है, नहीं। दिव्या उसे बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है। अरुण मना करता है, लेकिन दिव्या उसे मना देती है। दिव्या उसे मूव ऑन कराना चाहती थी और सब क्लियर करना चाहती थी। अरुण वापस सॉरी कहता है। अरुण दिव्या को बहुत मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें जो आपके बारे में बताने ही वाला था, वापस रिलेशन में आ जाते हैं ना प्लीज। दिव्या मना करती और जाती है। अरुण कहता है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। दिव्या को अरुण के लिए डर लगता है, वो नहीं चाहती थी अरुण अपने आप को नुकसान पहुंचाए। मदन और बाकी सब लोग ट्रिप प्लान कर रहे थे। दिव्या अरुण को भी इन्वाइट करती है। अरुण पहले मना करता है, लेकिन वो मान जाता है। अरुण दिव्या के साथ एक रूम में रहना चाहता था होटल में। वो दिव्या के दोस्त को मदन के साथ रूम में भेज रहा था, लेकिन दिव्या की दोस्त लड़के के साथ रूम में नहीं रहना चाहती थी। मदन अरुण से कहता है, हम एक रूम में रह लेते हैं ना। अरुण दिव्या को मनाता है, लेकिन दिव्या नहीं मानती। अरुण गुस्से में मदन के साथ रूम में रहता है। वो मदन से पूछता है, तुम इतने फेमस हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो होगी? मदन मना करता है। अरुण कहता है, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मदन कहता है, मत मानो। बाद में मदन बीच में सबकी वीडियो बनाता है। अरुण वीडियो डिलीट करवाता और कहता है, तुम दिव्या की ऐसी फोटोज नहीं खींच सकते। मदन कहता है, ये व्लॉग है, मैं डिलीट नहीं कर रहा। अरुण गुस्से में कहता है, अगर दिव्या के घर वालों ने ऐसे कपड़े में देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दिव्या आती है और कहती है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम मत पढ़ो। अरुण उदास हो जाता है। बाद में अरुण एक लड़के को मदन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड की ज्यादा ही क्लोज नहीं है। लड़का ध्यान नहीं देता उसकी बातों का और बाद में अरुण केक लाता है और दिव्या से सॉरी कहता है। दिव्या गुस्से में परेशान होकर जाती है। अरुण नशे में सुसाइड करने की कोशिश करता है। मदन और बाकी लोग उसे बचाते हैं। दिव्या और डरती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अरुण की माँ अरुण को फोन करती है, अरुण नशे में था। दिव्या अरुण की माँ को सब सच बता देती है। दिव्या परेशान थी, वो मदन के साथ बात करती है। मदन बताता है, उसकी एक्स और उसने मिलकर व्लॉग चालू किया था, लेकिन उसकी एक्स ज़्यादा फेमस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं पॉसेसिव हो गया और मेरे से वो झूठ बोलने लगी, और जब सच पता चला तो ब्रेकअप किया और उसके बाद रिलेशन में आने का मन नहीं किया। दिव्या बताती है, अरुण की सोच काफी छोटी है, वो हमेशा मेरे पे शक करता है। अरुण बाद में दिव्या से बात करने की कोशिश करता है। दिव्या बात नहीं करना चाहती थी। अरुण कहता है, तुम्हें हो क्या गया है, जब देखो ब्रेकअप। दिव्या कहती है, क्या मैं लड़कों से दोस्ती भी नहीं कर सकती? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया। अरुण जाता है। दिव्या कहती है, सुसाइड करने मत जाना, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अरुण टूट जाता है। रात को वो वापस माफी मांगता और कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज एक और मौका दे दो प्लीज।
दिव्या कहती, क्या तुम अपनी माँ को कह सकते हो तुम्हारे पापा को दूसरा मौका देने के लिए? अरुण कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप जाता है और सुबह स्मोक करता है। और दिव्या कहती है, तुम ये स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते? अरुण कहता है, ये लास्ट है। दिव्या कहती है, तुम हर बार ये कहते हो। अरुण कहता है, मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अरुण की माँ अरुण को कॉल करके बताती है कि उन्होंने डाइवोर्स ले लिया, अब वो खुश हैं। अरुण मदन से शांति से बात करता है, उसे दोस्ती करता है और अरुण दिव्या से बिना कुछ कहे रोते हुए जाता है। दिव्या भी रोती है और 2 साल बाद हमें अरुण का फेस दिखता है। अरुण का कैफे काफी फेमस हो गया था। अरुण अपने कैफे में एक दिन दिव्या को देखता है। दिव्या उसे देख के हैरान होती है और कहती है, ये तुम्हारा कैफे है? यकीन नहीं होता, काफी अच्छा है। अरुण कुछ नहीं कहता और दिव्या चली जाती है। दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे अलग होकर। अरे मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।